Good morning, friends. I am R.K. Ranjan, and today I am once again appear in front of you to teach you a lesson named Fiber to Fabric. And this is the third lesson of your science book, and it is as per the syllabus of the NCERT. तो बच्चों थोड़ा सा आप गौर करेंगे इसमें बेसिकली आपको फाइबर टू फैब्रिक लेसन में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप जो है फाइबर की मदद से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। बच्चों आप लोग अपने अगर पुराने नॉलेज का थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि किसी भी तरह का जो फैब्रिक है, फैब्रिक को हम लोग हिंदी में कपड़ा बोलते हैं, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि वो कपड़ा जो है या तो कॉटन का बना होता है, या अगर आर्टिफिशियल थ्रेड है, पॉलिस्टर है, रेयन है, तो उनका बना होता है, या हम लोग जारे वगैरह में जो कपड़े पहनते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये ऊनी और गर्म कपड़ा है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को जो है सो अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग कपड़े हैं और कपड़ों की क्वालिटीज भी अलग अलग होती हैं। तो हम लोग इसमें बोलते हैं कुछ कपड़े महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। तो जिन फाइबर से कपड़े बनाए जाते हैं उसकी क्वालिटी पर फैब्रिक की क्वालिटी डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए अगर सिल्क के फाइबर से बनाई जा रही है तो कपड़ा सिल्क का होगा। अब सिल्क का फाइबर लेना मुश्किल है, थोड़ा महंगा है, उसकी प्रोसेसिंग महंगी है तो कपड़ा महंगा होता है। कॉटन को हम लोग नेचुरल फाइबर बोलते हैं, कॉटन वगैरह खेत में उगता है तो कॉटन भी जो है एक प्रकार का महंगा फाइबर है क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट ये ज्यादा होता है। अब कुछ फैक्ट्रियों में केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा सिंथेसाइज करके कुछ फैब्रिक्स बनाए जाते हैं तो आर्टिफिशियल थ्रेड बनते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बनते हैं, उनसे जो फैब्रिक बनता है उनको हम लोग पॉलीमर या अलग अलग तरह के उनके नाम है, जैसे टेरिकॉटन है, रेयन है, नायलॉन है, इन सब के जो फाइबर्स बनते हैं तो इनसे जो कपड़े बनाए जाते हैं, पॉलिस्टर है, इन चीजों से जो कपड़े बनाए जाते हैं तो उनके जो फाइबर होते हैं वो आर्टिफिशियल मैनमेड होते हैं। तो फाइबर के बेसिस पर ही फैब्रिक का नॉमिनक्लेचर होता है, मतलब उसका नामकरण होता है, उसे हम लोग उसका नाम लेकर बताते हैं। तो अभी आप लोग देखेंगे कि आपके क्लास 7th में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नॉर्मल स्पीसीज की बात करें और इसमें हम लोग इस बार कॉटन वगैरह नहीं लेंगे, कपड़े वपड़े नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली पहुंचते हैं वुलन क्लॉथ पे। आप सारे बच्चे जानते हैं कि आपको जो है, बच्चों जानते हैं आप लोग कि जारे वगैरह में के जो कपड़े होते हैं वो बेसिकली ऊन के बने होते हैं और हम लोग वुलन क्लॉथ का इस्तेमाल ठंड में करते हैं। तो वुलन जो है, सारे बच्चे बेसिकली जानते हैं, अब आप लोग इतने छोटे नहीं हैं, आप लोग जानते हैं कि उनका जो निर्माण होता है वो भेड़ जो जिसको हम लोग सिप भी बोलते हैं इंग्लिश में, उसके हेयर से फैब्रिक फाइबर बनाया जाता है और उस फाइबर को जो है आपस में वीविंग करके फैब्रिक बनाया जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सीप का कुछ एग्जांपल दिया गया है, आप इस फोटो में देखिए, इनके अलग अलग जेनेटिक फैक्टर के कारण इनके कलर भी अलग अलग हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा आपको व्हाइट और येलो मिक्स सीप के हेयर नजर आ रहे हैं और ये देखिए ये आपको बिल्कुल ब्लैक और ब्राउन टाइप से नजर आ रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि बेसिकली जो ऊल जो होता है, ऊल के जो हमारे फैब्रिक होते हैं उनके फाइबर का निर्माण इन्हीं ऊल से किया जाता है, इनसे ऊल लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीप से ही लिया जाता है, ऊल के और भी बहुत सारे
आपको मैं आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके हेयर्स का इस्तेमाल जो है उलेन फैब्रिक को वीविंग करने में इस्तेमाल करते हैं, किया जाता है। हम लोग देखेंगे इसकी प्रोसेसिंग के क्या क्या तरीके हैं। अब ये सेकंड में एग्जांपल देखिए आपको गोट। अब ये गोट में देखिए ये वाला जो, इसको बकरी भी बोलते हैं हम लोग, तो आप बोलेंगे कि सर बकरी मतलब का कहाँ ऊन बनता है, तो नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने बाजार वगैरह में जब उलेन क्लॉथ वगैरह अपने मदर फादर के साथ जाते होंगे खरीदने के लिए, तो कभी कभी कंपनी का भी नाम है और वैसे बोला, दुकानदार बोलता है कि लीजिए ये टोपी उलेन का बहुत अच्छा बना हुआ, ये अंगूरा का टोपी है। अब ये जो अंगूरा है, ये अंगूरा क्या, बेसिकली यह भी एक प्रकार के बकरी का टाइप है। और मैं आपको बता दूं कि उसके जो हेयर्स होते हैं, उसके हेयर से जो उलेन क्लॉथ फाइबर की जो वीविंग फाइबर बना के और जो फैब्रिक की वीविंग की जाती है, तो उसकी क्वालिटी अलग होती है। अब उसी तरीके से आप लोग जम्मू, अपने जम्मू एंड कश्मीर में एक पश्मीना बोल के बकरी होती है, तो उसके हेयर्स इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो काफी कॉस्टली बिकता है, और उस पश्मीना के सॉल स्वेटर ये सभी बनाए जाते हैं। और भारत में जो है सो सबसे ज्यादा महंगा उलेन का क्लॉथ जो है वो पश्मीना बकरी के हेयर्स का ही बनता है, तो यह भी एक एग्जांपल हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो मरे डार्लिंग एक उधर का बेसिन है रिवर का, वहां पर जिस प्रकार के कुछ वहां भी बकरियां पाई जाती हैं, भेड़ पाए जाते हैं, उनके जो बॉडी के जो वूल होते हैं उनके भी ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, उलेन क्लॉथ बनाए जाते हैं बॉडी के हेयर्स का, तो वो भी पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है। तो ये सब कुछ आपकी जानकारी के लिए है। अब हम लोग नीचे देखेंगे कि एक, यहाँ पर देखिए एक जानवर है याक। ये जानवर जो है आप देखें तो ये लगता है, अगर आप थोड़ा देखेंगे तो लगेगा आपको थोड़ा भैंस और भैंस की ही प्रजाति के बहुत नजदीक है, और ये बेसिकली कोल्ड रीजन में पाया जाता है। इसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये आपके भारत में जो अपना अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसमें ये इस तरह के भैंसे मतलब याक पाया जाता है। वो भैंसे टाइप का इसका लुक होता है और इसको हम लोग याक बोलते हैं। वहां इससे दूध मीट हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम लोग इसके जो है ना, ये देखिए आप लोग देख रहे कितने बड़े बड़े इनके हेयर्स हैं, तो इनका इस्तेमाल जो होता है बहुत कोअर्स होते हैं। कोअर्स मतलब बिल्कुल कड़ा हेयर होता है। तो कुछ बच्चों को याद होगा जैसे गाँव वाँव में बहुत पहले जो है, आजकल तो सिंथेटिक फाइबर के जो है मतलब क्विल्ट वगैरह बने आते हैं या कंबल वगैरह ब्लैंकेट बने आते हैं जो बहुत नर्म होते हैं रेयन वगैरह के, लेकिन पहले जो है ना एक बहुत ही कड़ा, और जिसका मतलब उन अगर आप उसके कंबल अगर आप बॉडी पे डालें तो आपको बिल्कुल वो चुभेगा, तो उस टाइप के जो है ना कुछ कंबल वगैरह बनाए जाते थे जो वाकई बहुत ही ज्यादा इंसुलेटर हुआ करते थे। इंसुलेटर मतलब जो हीट को ना बिल्कुल भी बॉडी से बाहर नहीं जाने दे। अगर आप ओढ़ लीजिए तो अगर बाहर ठंड भी पड़ी हुई है तो आपको मतलब अंदर बाहर का ठंड आपको बॉडी के अंदर नहीं आने देगा और अंदर जो आपकी बॉडी की गर्मी है वो बाहर नहीं जाने देगा। इतना थिक टाइप का एक कंबल बनता था ब्लैक कलर का। तो बेसिकली वो यही याक के जो हेयर्स होते थे, इनके हेयर्स का इस्तेमाल जो है करके वो लोग ऊल बनाया जाता था, और उसी ऊल से जो है फिर वो आपको मैं बताऊं कि इनके ब्लैंकेट्स वगैरह बनाए जाते थे। तो हम लोग थोड़ा इसी में आगे की कड़ी में देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। अब देखिए, अब यहाँ पर है कि कैमल। यस, कैमल के भी जो है ना, आप अगर गौर से देखेंगे तो कैमल्स के बॉडी के ऊपर में भी जो है ना हेयर ग्रो कर जाते हैं। ये भी एक कोर्स हेयर ही होते हैं, बहुत ज्यादा तो सॉफ्ट के श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इनके हेयर्स को भी ना साल में मतलब कटिंग की जाती है, जिसको हम लोग आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। इसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। ये बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें कटर की माध्यम से इनके बॉडी का उल कटिंग किया जाता है, और उल इतने स्किन के करीब से काटा जाता है कि स्किन का जो ऊपर का हल्का जो डेड सेल होता है वो भी इसके साथ कट के बाहर आ जाता है, जिससे कि एक तरह से कहिए कि जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो हमारे जंगली जानवर जिनके या पालतू पेट्स एनिमल हैं में आ सकते हैं, जैसे सीप गोट वगैरह, वो भी अपने आप को ना एक प्रकार का क्लीनिंग जैसा महसूस करते हैं कि हमारे बॉडी की क्लीनिंग हो गई। बेसिकली इनकी जो शरीर, इनके शरीर पर की जो हेयर्स वगैरह है, ये
बेसिकली इनके लिए गॉड के द्वारा दिया गया एक नेचुरल ब्लैंकेट है। तो ये लोग जाड़े में इनके ग्रो हो जाते हैं। अब हम लोगों के पास तो कंबल है, इनके पास तो नहीं रहता बेचारों के पास, तो ये कहाँ जाएंगे। तो इनके जो है ना नेचुरल हेयर्स ही जो है इनके ब्लैंकेट्स का वर्क करते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के शुरुआती समय में इनके हेयर्स को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी के ऊपर से, ताकि गर्मी में ये भी अपने आप को फ्री महसूस करें, और फिर जब तक ठंड आती है तब तक इनके हेयर्स जो है ना बिल्कुल ग्रो कर जाते हैं। तो इससे इन जानवरों को भी परेशानी नहीं होती है और हम ह्यूमन बीइंग्स को भी मिल जाता है हेयर्स अपने इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। अब देखिए, एक ये जो है लामा करके एक प्रकार का सिप है, ये भी आप सिप है देखिएगा, ये भी बेसिकली ये विदेशी नस्ल के भेड़ें होती हैं, और ये आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, उन जगहों पे पाया जाता है। अब आप देखेंगे एक दूसरा, ये देखिए ये एल्पाका बोल के ये एक प्रकार का भेड़ की एक नस्ल है, और बेसिकली ये अमेरिका अपने नॉर्थ अमेरिका में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इसके हेयर भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो इनका जो है ना आप देख ही रहे हैं कितना कोमल जैसा सॉफ्ट जैसा बॉडी का फर नज़र आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल भी कटिंग करके, इसकी शेयरिंग करके ऊल वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सिल्क वगैरह के कपड़ों के लिए देख लीजिए, जैसे कि ये सिल्क वॉर्म है, ये बेसिकली मलबरी के प्लांट्स है। मलबरी के प्लांट्स में सिल्क वॉर्म रहते हैं जो कुकून में सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, और उस सिल्क का इस्तेमाल हम लोग सिल्क के फाइबर बनाने में करते हैं। अब आइए जरा सा, अब ये सब, ये तो जो इंट्रोडक्शन था बच्चों, ये इसके बारे में था कि हमारे पास जो है कितने तरह के आपके एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर के जो है ना हेयर्स का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरह के जो हैं फैब्रिक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह का जितना सॉफ्टनेस जो है इसके हेयर का होता है उतना ही सॉफ्ट फैब्रिक भी बनता है, और उसी के अनुसार से उसके कॉस्ट भी बाजार में उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों इसमें जो है कि अब कुछ इंडियन ब्रीड्स के भी सीप होते हैं जो कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि लोही बोल के सीप है इंडियन ब्रीड का, इसकी क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपके राजस्थान और पंजाब वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे रामपुर बुशहर बोल के एक ब्रीड होता है जिसका ब्राउन फ्लीसेस होता है, भूरे रंग का होता है, ये आपके उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक नाली बोल के होता है जिसके कारपेट वूल क्वालिटी होती है, ये राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। एक बखरवाल बोलते हैं, बखरवाल ट्राइबल ट्राइब भी है, ये बेसिकली इसके जो है ना वूल सॉल वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। आपको मैंने पिछले में बताया था कि जो पाश्मीना बकरी है वो भी जम्मू एंड कश्मीर लेह लद्दाख वाले रीजन में जाया पाया जाता है। एक मारवाड़ी जिसके कोर सूल होते हैं बिल्कुल कड़ा टाइप का होता है, ये गुजरात में होता है। और एक पटनवाड़ी होता है, इसमें होजियरी वगैरह का इस्तेमाल, जैसे होजियरी हम लोग बोलते हैं जैसे छोटे छोटे जो ड्रेसेस वगैरह बनाए जाते हैं, बच्चों के ड्रेसेस हो गए, गारमेंट्स हो गए, इस सब टाइप में जहाँ बनता है होजियरी में, तो ये भी गुजरात में पाए जाते हैं और इनके उनका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको उन एनिमल्स के बारे में और क्वालिटी ऑफ फैब्रिक के बारे में और शीप के बारे में जिनसे हम लोग ऊल वगैरह को लेते हैं। तो अगली जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग आखिर ये जो हम लोगों ने ऊल उसके बॉडी से तो ले लिया सीप और गोट के याक के बॉडी से, अब इसकी हम लोग प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, हाउ डू वी प्रोसेस दिस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्लीसेस इनटू अ रियल फाइबर एंड देयर आफ्टर एंड हाउ डज द फाइबर कन्वर्ट्स इनटू द फैब्रिक। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आपको एडवाइस भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, बातों को समझें, फोटोज वगैरह भी देखें, अपनी एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ें, इससे आपका नॉलेज जो है वो काफी रीइन्फोर्स होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना। अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर मुझसे पूछें। धन्यवाद।